नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका प्यार और सपोर्ट हमें लगातार मिल रहा है, हम इसके लिए आप सभी के आभारी हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं फिल्म रिव्यू डार्लिंग्स मूवी का, जो अभी नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है। तो नेटफ्लिक्स पर आलिया भट्ट के अभिनय की नीत ये फिल्म है डार्लिंग, जिसका नाम है। फिल्म का डायरेक्शन किया है जसमीत कैदिन ने। अन्य मुख्य भूमिकाओं में है शेफाली शाह, विजय वर्मा, रोशन मैथ्यू, राजेश शर्मा और विजय मौर्य इस फिल्म की लीड में है। शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज इसे को प्रोड्यूस कर रही है। इसके अलावा आलिया भट्ट भी को प्रोड्यूसर की भूमिका में है। जसमीत कैदिन ने इस फिल्म का निर्देशन किया है। फिल्म की कहानी की अगर मोटी मोटी बात करी जाए तो फिल्म डार्लिंग की कहानी जो है वह मुंबई शहर पर आधारित है। फिल्म में मुंबई के पुराने स्लम मुस्लिम बहुल इलाके को दिखाया गया है। एक लड़का है और उसकी प्रेमिका बनी है आलिया भट्ट। शादी से कुछ पहले ही लड़के की रेलवे में नौकरी लग जाती है और वो टिकट कलेक्टर की नौकरी करने लगता है। घर में वह शेर बना हुआ है, अपनी बीवी बनी प्रेमिका का उत्पीड़न करता है। प्रेमिका के रूप में तो वो उस पर बहुत प्यार करता था, परंतु शादी के बाद वो उस पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार करता है, उसके साथ मारपिटाई करता है और उसके इस तरीके से मतलब उस पर अपना जुल्म ढाता है कि पूरे मोहल्ले को और पूरी चौल में रहने वाले अन्य लोगों को उसके अत्याचार के बारे में पता चल जाता है। परंतु यही पति जो है जब वो नौकरी में जाता है तो ऑफिस में उसका उत्पीड़न उसका बॉस करवाता है। एक सीन दिखाया गया है जिसमें उसका बॉस उसे टॉयलेट साफ करने के लिए बोल देता है और वो इसका विरोध भी करना चाहता है, परंतु मन मार के उसको अपना उत्पीड़न झेलना पड़ता है और टॉयलेट साफ करना पड़ता है। इसके अलावा लड़की की जो भूमिका में है शेफाली शाह, वह घर के सामने ही रहती हैं और यह सब उत्पीड़न और उसके घर में चलने वाली उठापटक को लगातार देखती रहती हैं। कहानी में मोड़ आता है और लड़की जो है उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाना चाहती है। वह अब चाहती है कि ये बहुत हुआ और यहीं से जो ये जॉनरा है डार्क कॉमेडी का, जिसमें कि कुछ ना कुछ उठापटक इस प्रकार से दिखाई जाती है कि हमें दोनों ऑप्शन तो बुरे लगते हैं कि जो लड़का कर रहा है वो भी गलत है और जो लड़की और उसकी माँ मिलकर करते हैं वो भी गलत है, परंतु देखा जाए तो कहना चाहिए कि एक राक्षस है और एक कहना चाहिए रावण है, तो इसमें गलत कौन है, किसको गलत ठहराया जाए, ये सोचना हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। पुलिस के पास वो जाती है और पुलिस से मदद मांगने की कोशिश करती है, परंतु कोई मदद नहीं मिलती तो वो कानून अपने हाथ में ले लेती है आलिया भट्ट और अपना बदला लेना चाहती है, अपने पति को ठीक करना चाहती है। परंतु इसी बीच बहुत से कॉमेडी सीन्स दिखाए गए हैं जो बड़े उबाऊ से लगते चले जाते हैं और कहानी खिंची खिंची सी लगती है। इस बीच फिल्म में एक और मोड़ दिखाया गया है कि वो एक प्रेमिक को फंसा लेती है अपने पति से बदला लेने के लिए। वो प्रेमी भी जो है आपको बड़े विचित्र भूमिका में नजर आएगा। उसके कुछ कॉमेडी सीन और कुछ रोमांटिक सीन भी डाले गए हैं और इसी के साथ जो शेफाली शाह जो माँ की भूमिका में है उनके भी कुछ एक ऐसे सीक्रेट्स हैं जिस पे पर्दा डला हुआ रहता है और वो पर्दा उठता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों तो एक पेचीदा कहानी है, बड़ा ही कहना चाहिए विचित्र रूप से फिल्माई गई है। दर्शक कंफ्यूज हो जाते हैं, हंसी तो आती नहीं है, इनमें देख के चौंक सकते हैं कि किस प्रकार से सीन फिल्माए गए हैं। स्क्रीन प्ले बहुत ही कमज़ोर है और कहानी के मामले में बात करी जाए तो कहानी जो है उसमें कुछ भी ऐसा रोचक तत्व नहीं है। सिर्फ कहानी में एक के बाद एक नए प्लॉट और नए ट्विस्ट डाल दिए गए जिससे कि दर्शक सोचे कि अब क्या होने वाला है। तो इस प्रकार के ट्विस्ट और टर्न डालने से आप सोचें कि अगर बहुत अच्छी कहानी है या बहुत अच्छा स्क्रीन प्ले है तो आलिया भट्ट ने यहाँ बहुत बड़ी गलती कर दी है और ये कहना चाहिए एक डिजास्टर है। शायद इसी कारण से ये फिल्म कहने को तो 2021 में तैयार हो गई थी, परंतु इसको कोई कहना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला कि इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करा जाए और पैन इंडिया बेसिस पे सिनेमा हॉल में रिलीज किया जाए। इसीलिए मन मार के शायद आलिया भट्ट और शाहरुख खान ने इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया है और नेटफ्लिक्स वालों ने इनको क्यों इतने अधिक पैसे दिए हैं ये हमारी समझ से परे है। शायद इसी कारण से जो है नेटफ्लिक्स के जो कहना चाहिए सब्सक्राइबर बेस है वो लगातार कम होते चले जा रहे हैं, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर लोग कुछ अच्छा कंटेंट देखने के लिए जाते हैं, पैसा देते हैं, परंतु इस प्रकार की कहना चाहिए बेसिर पैर की फिल्में, घटिया फिल्में अगर दिखाई जाएंगी तो कौन लेना चाहेगा नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन और कौन अपने 2 घंटे बर्बाद करना चाहेगा। तो ओवरऑल मैं तो कहना चाहूंगा ये फिल्म बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है मुझे, बड़ी ही कहना चाहिए सरदर्द सी फिल्म लगी। और इसके अलावा जो फिल्म का डायरेक्शन है, एक्शन कॉमेडी है, वो बिल्कुल भी हंसाने गुदगुनाने लायक नहीं लगा है। डार्क जॉनर की कॉमेडी बनाने की कोशिश तो करी गई है, डार्क जॉनर की बहुत सी अच्छी फिल्में बनी है डार्क कॉमेडी जॉनर की, परंतु उस कैटेगरी में भी ये फिल्म असफल होती हुई नजर आती है। जो इसमें डार्क कॉमेडी दिखाने की कोशिश करी गई है वो कहीं से कहीं तक भी ऐसी नहीं लगती है कि आपको शायद कुछ हंसी है, बस एक के बाद एक कहानी में ट्विस्ट टर्न और इवेंट्स बदलने की कोशिश करी गई है जिससे कि दर्शक अपनी कुर्सी पे कहना चाहिए उत्सुकता से बैठे रहें और इसमें कुछ ऐसा नया नहीं नजर आता है। दोस्तों अदाकारी के मामले में भी बात करी जाए तो आलिया भट्ट की अदाकारी बिल्कुल बचकानी सी नजर आती है। वो जो किरदार निभा रही है उसमें पूरी तरीके से उतरी नहीं है, सतही तौर की एक्टिंग करी है। इसको देख के आपको लगता है कि ये आलिया भट्ट क्या कर रही है। इसके अलावा जो
जो उनकी माँ के कैरेक्टर में शेफाली शाह हैं वो जरूर थोड़ी बहुत इफेक्टिव नज़र आती है, परंतु वो कहीं से कहीं तक माँ नहीं लगती हैं, वो तो एक दोस्त जैसी नज़र आती हैं। और जिस प्रकार के उनके डायलॉग हैं, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी अदायगी करी है जो एक माँ के रोल में होना चाहिए, उससे तो बिल्कुल ही अलग है। तो कहीं ना कहीं ये जो इनकी अदाकारी के मामले में बात करी जाए तो अदाकारी बिल्कुल भी सही नहीं, डायरेक्शन बहुत ही कमज़ोर है दोस्तों, और कहना चाहिए फिल्म ओवरऑल आपको सरदर्द और कन्फ्यूज़न करने वाली नज़र आने वाली है। वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे अन्य वीडियोस भी देखें। चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।